দীপাবলীর প্রাক্ষণত উজলি উঠিছে সরজুর পাৰ। भगवान राम की नगरी में सातवें दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 11 नवंबर को 21 लाख दीपक रामलला का स्वागत करते नजर आएंगे, तो अपने मेहमानों के स्वागत के लिए खुद आराध्य तोरण द्वार यानी कि जिस द्वार से लोग प्रवेश करेंगे उस जगह पर मौजूद रहेंगे। ये भगवान रामलला के मंदिर का मॉडल है, उस पर खुद रामलला का एक खूबसूरत धनुधारी स्वरूप लगा हुआ है। जहाँ पर तोरण द्वार होगा, जिस जगह से बाईपास से सारे VIP VVIP और रामलला के भक्त प्रवेश करेंगे, ये उसी जगह पर बाकायदा यहाँ पर रामलला अपने राम भक्तों का स्वागत करते नजर आएंगे। चूंकि 21 लाख से ज़्यादा दीपक इस बार राम की पैड़ी घाटों पर जलाए जाएंगे, इसके लिए 51 घाट चिन्हित हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के पहले भव्य दीपोत्सव का खूबसूरत नज़ारा रामनगरी की खूबसूरती को चार चांद लगाता नजर आएगा। প্রভু রামচন্দ্রর জন্মস্থান অযোধ্যাত এয়া দীপাবলীর আয়োজন। তীরত লাইট এন্ড সাউন্ড শোর বাবে পর্যটকেও লগাইছে হেতা ওপরা। দীপাবলীর প্রাক্ষণত উজলি উঠিছে সরজুর পাৰ। भगवान राम की नगरी में सातवें दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 11 नवंबर को 21 लाख दीपक रामलला का स्वागत करते नजर आएंगे, तो अपने मेहमानों के स्वागत के लिए खुद आराध्य तोरण द्वार यानी कि जिस द्वार से लोग प्रवेश करेंगे उस जगह पर मौजूद रहेंगे। ये भगवान रामलला के मंदिर का मॉडल है, उस पर खुद रामलला का एक खूबसूरत धनुधारी स्वरूप लगा हुआ है। जहाँ पर तोरण द्वार होगा, जिस जगह से बाईपास से सारे VIP VVIP और रामलला के भक्त प्रवेश करेंगे, ये उसी जगह पर बाकायदा यहाँ पर रामलला अपने राम भक्तों का स्वागत करते नजर आएंगे। चूंकि 21 लाख से ज़्यादा दीपक इस बार राम की पैड़ी घाटों पर जलाए जाएंगे, इसके लिए 51 घाट चिन्हित हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के पहले भव्य दीपोत्सव का खूबसूरत नज़ारा रामनगरी की खूबसूरती को चार चांद लगाता नजर आएगा। প্রভু রামচন্দ্রর জন্মস্থান অযোধ্যাত এয়া দীপাবলীর আয়োজন। তীরত লাইট এন্ড সাউন্ড শোর বাবে পর্যটকেও লগাইছে হেতা ওপরা।